हेलो गाइस, और हाँ मैं आज इधर पुना स्टेशन के पास, पुना स्टेशन का बस स्टॉप और इधर जिसमें वड़ा पाव जैसी पुणे की बेस्ट डिशेस आती हैं ब्रेकफास्ट के लिए, हम अच्छा वाला ढूंढेंगे कुछ। अब इधर मेरे पीछे देखते हैं, कुछ वड़ा पाव है, पैटिस है। भैया पैटिस कितने को है? 15 रुपये को पैटिस है इधर। और ये भजी 30 को है ना भैया? एक पैटिस लगा दो अच्छा वाला, एक पैटिस हमारे लिए पैटिस। इसके साथ कौन सी वाली चटनी मिलती? ग्रीन वाली चटनी, ग्रीन वाली चटनी इसके साथ मिलती। और ये अभी निकाला है क्या? गर्म है ना? हाँ गर्म गर्म मिलेगा, गर्म गर्म खा रहे हैं हम। और अभी वड़ा पाव भी है ना, एक वड़ा पाव भी लगा दो, मीडियम एक वड़ा पाव पैटिस। हाँ लगा दो, कोई बात नहीं, गर्मा गर्म लगा दो हमारे लिए। ये देखो वड़ा पाव भी है, वड़ा पाव भी दे दो गर्मा। पुणे में बहुत अच्छी मतलब मिलता है इधर, जो देख सकते हो बस स्टैंड के इधर हम हैं और इधर हम पैटिस खा रहे हैं। पैटिस के अंदर आलू का स्टफिंग रहता है, इसमें भी आलू का स्टफिंग रहता है। और ये ब्रेड पकौड़ा है, 15 रुपये को ब्रेड पकौड़ा एक। चटनी कौन सी बढ़िया है आपके पास? ग्रीन वाली ना, ग्रीन वाली दे दो एक। ये वड़ा पाव का डाल दिया, मिर्ची दे दो एकदम तीखा वाली बस। ये तैयार हो गया, थैंक यू। ये देखो हमारा, देख लो ये वड़ा पाव, ये वड़ा पाव है। और इधर है पैटिस, अब इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये ब्रेड में ये जो है मसाला डाल के है, ठीक है, इसके पीसेस कट कर दिए हैं, गर्मा गर्म आपको मिल जाएगा। और ये है चटनी, इसको खाते हैं हम। बढ़िया सी चटनी है, ग्रीन वाली चटनी एकदम काफ़ी बढ़िया है। और इधर है हम अभी स्नैक सेंटर के पास, और इधर हम भाई इसकी कॉस्ट आपको 15 रुपये को मिलती है, तो 15 मिनिमम कॉस्ट है इसकी, मतलब 15 रुपये में काफ़ी आपको मिलता है और आपका पेट भी भर जाएगा। और ये वड़ा पाव भी 15 का है, ये देख लो वड़ा पाव के अंदर मिर्ची दिल दिए एकदम तीखी वाली मिर्ची, और वड़ा पाव बढ़िया वाला। इसको टेस्ट करते हैं, गर्मा गर्म वड़ा पाव काफ़ी टेस्टी है और पैटिस तो काफ़ी बढ़िया है। ये सुबह का नाश्ता काफ़ी अच्छा रहता है। ये चटनी किसकी है? पुदीना की, पुदीना की चटनी है। ब्रेड पकौड़ा काफ़ी बढ़िया भैया, एक चाय लगा दो। ये चाय भी हमारी है, 10 रुपये को चाय है, बढ़िया वाली। सुबह का नाश्ता काफ़ी बढ़िया हमारा हो रहा है, दोपहर को हम कुछ अलग खाएंगे। ब्रेड पकौड़े सकता आपके, दो चटनियाँ मिल जाएगी आपको। और ये ब्रेड पकौड़ा पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी वड़ा पाव बचा है, खाकर आपको बात